field control of a DC shunt motor gives which of the following drive? ठीक है, यहाँ पर है फील्ड कंट्रोल। तो फील्ड कंट्रोल अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और यहाँ पर फील्ड कंट्रोल। तो फील्ड कंट्रोल में पूछ रहा है कि कौन सा चीज कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट किलोवाट ड्राइव। एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेनली कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले देखते हैं इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है क्या है, कैसे इसको हम याद रखें और कैसे हर एग्जाम में इसको सही करके आए। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर है क्या है, पावर है। ठीक है, ये पावर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड इसका बढ़ रहा है, पावर का वैल्यू बढ़ रहा है, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग कैसे याद रखें, यहाँ पर पावर और टाइम दोनों का ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो इसको हम याद रखेंगे, यहाँ पर पी वेरिएबल है और यहाँ पर टी वेरिएबल है, तो यहाँ से बनता है पीटी। ठीक है, पीटी उषा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, पीटी उषा कैंडी टेका प्रवील उषा। तो इससे हम लोग याद रखेंगे, पीटी उषा के नाम से याद रखेंगे, जो मेरा वेरिएबल है वो एक पी है और एक टी है। एथलेटिक्स मतलब दौड़ में काफी अच्छा नाम कमाई थी। तो यहाँ पर स्पीड जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक पहले पी नाम आ रहा है और उसके बाद फिर टी आ रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल जो मेरा है पावर है, यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा वो टॉर्क है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है बिलो बेस स्पीड, यहाँ पर बेस स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। तो बिलो बेस स्पीड हम लोग कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल या फिर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल? तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल उसी तरह से अल्फाबेटिकल जाएंगे, पहले ए और उसके बाद ए, फिर दो ही होता है, एक आर्मेचर कंट्रोल होता है और दूसरा फील्ड कंट्रोल होता है। तो पहले ए और फिर एफ, अल्फाबेटिकल बिल्कुल है, पहले ए स्टार्ट हुआ है उसके बाद एफ हुआ है। तो यहाँ पर ए और एफ हो गया और यहाँ पर पीटी हो गया। तो ये मेरा बेस स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो बिलो बेस स्पीड हम लोग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूज करते हैं और वहां पर जो मेरा कॉन्स्टेंट होता है वो टॉर्क होता है। उसके बाद अगर एबव बेस स्पीड आते हैं तो वहां पर जो कंट्रोल होता है वो फील्ड कंट्रोल होता है, फील्ड से हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो होता है पावर और जो वेरी कर रहा है वो होता है टॉर्क। अब हम लोग ये भी साथ में देख लेते हैं कि यहाँ पर टॉर्क क्यों कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर पावर क्यों कॉन्स्टेंट है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ए फिगर कहां से उठाया गया है। तो एक्चुअली ये वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड यूज किया गया है यहाँ पर। ये डीसी शंट मोटर का जो स्पीड वेरिएशन होता है उस वहां से एक ग्राफ प्लॉट होता है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस तरह से अरेंजमेंट होता है और कैसे हम लोग ये सारा कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मोटर होता है और ये जनरेटर है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग इस मोटर को रोटेट करवाते हैं। इसका जो स्पीड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, इसमें हम लोग किस तरह कोई वेरिएशन नहीं लाते हैं। उसके बाद ये मेरा जनरेटर है, जब इस मोटर को रोटेट करेंगे तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमने से क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा आइए। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा हमको भी मिलेगा, जनरेटर का वोल्टेज है। अब इस जनरेटर के वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पर मेरा जो है मोटर जिसकी स्पीड को हम लोग को कंट्रोल करना है। ये वार्ड लियोनार्ड मेथड प्रीवियस मतलब एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ उठाया था। पिछला क्वेश्चन में पूछा था, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, वहां पर पूछा था ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं। तो वहां पर भी होगा आंसर जो मेरा होगा वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड होगा। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का मैंने कुछ एडवांटेज भी दिया था पिछले वीडियो में, ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले तो इसका स्मूथ स्पीड कंट्रोल है, देख रहे हैं यहाँ पर दो तरह का कंट्रोल है, बिलो बेस स्पीड और अपर बेस स्पीड भी। तो काफी ज्यादा मतलब इसका रेंज है स्पीड कंट्रोल का। उसके अलावा इसमें है इसके डायरेक्शन को हम लोग उल्टा मतलब भी रोटेट करवा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं, तो इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके स्पीड को हम लोग वेरी कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ये भी कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ये है इस जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो इस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आई एफ जो है आई एफ जी इसको हम लोग वेरी करवाते हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू। जब इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसका फील्ड करंट वेरी करेगा तो इससे क्या होगा, इसका वोल्टेज वेरी करेगा। अब जब इसका वोल्टेज वेरी करेगा तो इसका इफेक्ट इसके मोटर के स्पीड पर पड़ेगा, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल पर। तो यहां पर जब वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा अगर इस केस में देखें तो सबसे पहले पावर और टॉर्क को समझ लेते हैं। पावर क्या है, भी इंटू आई ए, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आई इंटू आई। तो यहाँ पर एक्चुअली जो करंट है, जब इसके वोल्टेज को हम लोग वेरी करवा रहे हैं इस फील्ड के थ्रू, तो इससे जो करंट पास करवा रहे हैं हम लोग, इस करंट को हम लोग कॉन्स्टेंट रखते हैं। एक करंट होता है रेटेड करंट, ठीक है,
ए रेटेड करंट है मेरा, मतलब ए पार्ट तो पूरी तरह से कांस्टेंट हो गया, अब ए वोल्टेज जो है वेरी कर रहा है, तो इससे क्या होगा, पावर मेरा वेरी करेगा, इसलिए यहां पर पावर को वेरी करता हुआ दिखाया गया है। उसके बाद अगर इस कंडीशन में, मतलब इस रेंज में अगर हम टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क मेरा आई क्या है, कांस्टेंट है, इस मोटर में जो करंट जा रहा है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है। उसके बाद फ्लक्स, अगर इस मोटर का फ्लक्स देखें, इसमें भी हम किसी तरह कोई वेरिएशन नहीं ला रहे हैं, तो फाई और आई दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मेरा टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो बिलो जो मतलब या फिर जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है, इसमें मेरा टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा और पावर वेरी करेगा। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, पावर ब्राउड क्या होता है, टॉर्क इंटू स्पीड ओमेगा, तो ओमेगा तो मतलब यहां पर चेंज हो रहा है, स्पीड तो बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ाने से, तो जब स्पीड बढ़ रहा है और टॉर्क मेरा कांस्टेंट है, तो पावर क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो तुम्हारा वेरिएबल रहेगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए भी हम लोग इस तरह से भी ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर पावर क्या होगा, वेरिएबल होगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेप में, तो ठीक है यहाँ पर तो हम लोग एक कंट्रोल तो कर लिए, जितना तक हो सकता था इसको फील्ड को कम या ज्यादा करके जितना कंट्रोल कर सकते हैं अंडर बेस स्पीड कर लिए, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। अब हम लोग आते हैं इस फील्ड कंट्रोल पर, ठीक है यहाँ पर इस केस में क्या होता है, आईए और वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है, ये मेरा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर किसी तरह का चेंजिंग नहीं हो रहा है, फील्ड जो फील्ड करंट है इसका, इसमें किसी तरह का चेंजिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग चेंजिंग ला रहे हैं इस फील्ड करंट में, ठीक है आईएफएम मोटर का जो फील्ड करंट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का, ठीक है, तो अगर फ्लक्स को हम कम करेंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ देंगे, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कम होगा, कम होने से इंक्रीज करेगा। अब आते हैं इसके टॉर्क और पावर पर, तो इस समय मेरा जो पावर होगा वो है वी इंटू आई, जो हम लोग दे करके रखे हैं, इसमें हम लोग कोई किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं ला रहे हैं, मेरा वोल्टेज भी कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट है। उसके बाद आते हैं टॉर्क पर, टॉर्क क्या होगा, फाई इंटू आई, अब आई है तो आर्मेचर करंट तो कांस्टेंट है, लेकिन फाई क्या हो रहा है, फाई का वैल्यू हम लोग या तो घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, अगर घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा तो, और बढ़ाएंगे तो घटेगा, तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो रहा है, स्पीड को बढ़ने के अनुसार फाई को कम करेंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पर फाई कम हो रहा है, टॉर्क क्या होगा, घटेगा, इसलिए यहाँ पर टॉर्क को घटता हुआ दिखाया गया है और ऊपर में जो पावर है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से वार्ड लियोनार्ड मेथड ये जो कंट्रोल है काम आता है। अब इसके बाद बात रहा इसके स्पीड को उल्टा डायरेक्शन में घुमाने के लिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए यहाँ पर जो फील्ड का जो वाइंडिंग है इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, अगर अभी करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर ये जो स्विच नजर आ रहा है इस स्विच को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, करंट इसमें इस तरह से फ्लो करेगा, जब उल्टा फ्लो करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर पहले से इधर रोटेट कर रहा है तो अब इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा, इस तरह से इसके डायरेक्शन को भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट कंट्रोल है, कंट्रोल मेथड है किसी भी डीसी मशीन को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए।